पटना में कोरोना संक्रमण को लेकर मरीजों में खौफ का माहौल इस कदर बढ़ा हुआ है कि एक मरीज ने अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर शुक्रवार को अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि युवक पटना जिले के बिहटा के मोहम्मदपुर का निवासी था। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित पटना एम्स की बिल्डिंग से कूदकर 21 वर्षीय एक मरीज ने शुक्रवार को अपनी जान दे दी। युवक की लाश एम्स में बेसमेंट में पड़ा देखकर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस भी एम्स में पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर छानबीन करने में जुटी है। जानकारी के अनुसार पटना एम्स की बिल्डिंग से कूदकर जान देने वाला 21 वर्षीय मरीज कोरोना का इलाज करा रहा था। अस्पताल में इलाजरत मरीज ने कूदकर जान देने की खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फुलवारी शरीफ थानेदार रफीकुर रहमान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक मरीज ने अस्पताल से कूदकर सुसाइड कर लिया है। वह बिहटा के मोहम्मदपुर का रहने वाला है। मृतक की शिनाख्त बिहटा के मोहम्मदपुर निवासी राजेश के बेटे रोहित कुमार के रूप में की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में अब तक कुल 20,959 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार में कोरोना मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत भी बढ़ करके 66.14 हो गया है, जबकि अब भी बिहार में सक्रिय मरीजों की संख्या वर्तमान में 10,519 है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि पटना में कोरोना संक्रमण को लेकर के एक व्यक्ति है जो पटना एम्स की बिल्डिंग से कूद करके जान दे दी है।